अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमा मेर और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा बीट बॉक्स। और मैं आपको कुछ अपनी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी और बहुत इजी मेकअप बताऊंगी जो डेली रूटीन में कर सकते हैं। मैं खुद वर्किंग लेडी हूँ और मेरे बच्चे भी हैं, सुबह मेरे बच्चों को स्कूल जाना होता है, मुझे भी जाना होता है, तो इसलिए मैं आपको बहुत ईजी वाला मेकअप बताऊँगी और बहुत लो प्राइस में जो आप ईजीली बाय कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको अपनी जो मेकअप किट है वो दिखा देती हूँ। ये सारा ब्यूटी बॉक्स, ये जो चीज़ें इसमें हैं, मैं इसमें कुछ यूज़ करती हूँ, कुछ जो हैवी मेकअप है वो मैं पार्टीज वगैरह पे यूज़ करती हूँ। ये लोशन है, बेबी लोशन है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मेरी स्किन के साथ बहुत सूट करता है। एक तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है और दूसरा ये मॉइस्चराइज अच्छा करता है। बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा लोशन होते हैं, लोग बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ये यूज़ करती हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सस्ता और आसान मेकअप कर बताऊंगी जो आप वाकई इजीली 5 मिनट्स में कर सकते हैं। ये फेस पाउडर है, ये बेस है, ये मेरे स्किन टोन के मुताबिक सारी चीजें आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग सब कुछ ले सकते हैं। ये सब लिपस्टिक्स है, काफ़ी सारे शेड्स हैं और ये भी एक बेस है जो अगर थोड़ा सा डेली रूटीन से थोड़ा सा हैवी मेकअप करना हो तो मैं ये बेस यूज़ करती हूँ, मतलब पीटीएम हो या कोई पार्टी हो। और ये वो बेस है जो मैं शादी वगैरह में यूज़ करती हूँ, ये टीवी पे स्टिक है। ओके, और नेक्स्ट ब्लश ऑन्स और आई शेड्स, आई शेड और भी हैं जो डिफरेंट दूसरे कलर्स हैं, पिंक वगैरह ये वो, लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं, डिसेंट कलर्स हैं। और आप स्कूल में, मतलब मैं टीचर हूँ तो मुझे थोड़ा सा डिसेंट मेकअप करना चाहिए। तो ये ब्लश ऑन्स, मैं आई शेड डेली यूज़ नहीं करती। और ये मेरी बीबी क्रीम, ये बहुत अच्छी है इस लिहाज से कि आपने अगर लाइट मेकअप, बीबी क्रीम लगा के आपको फील ही नहीं होता कि आपने मेकअप किया हुआ है। बाकी आपकी स्किन भी ख़राब होती है कुछ भी, लेकिन बीबी बहुत लाइट है। और ये मेरी मस्कारास हैं। ओके जी, ऑलमोस्ट मैंने आपको दिखा दी है। अब ये मेरी मेरा फेस पाउडर है जो मेडोरा का है, इसका भी मैं आपको टोन दिखा देती हूँ। ये देखें, ओके जी, अब ये सारा मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दिखाते जाए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको मेकअप भी करके दिखाना है और वो भी सिर्फ मुझे 5 मिनट में। तो अब वो देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। और इसके अलावा एक और बेस, ये रिमल, ये भी मैं नॉर्मल डेज में यूज़ करती हूँ, जब मेरे पास बीबी ख़त्म हो जाती है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैक का लाइनर है, लाइनर मैं डेली बेस पे नहीं यूज़ करती, लेकिन ये मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। ओके ओके, अब हम अपनी मॉडल को बुलाते हैं और मेकअप स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी छोटी सी मॉडल, इसका नाम है फातिमा तुजारा, ये मेरी बेटी है और इसको मेकअप करना बहुत पसंद है। मैं वैसे आमतौर पर इसको करती नहीं हूँ क्योंकि स्किन ख़राब हो जाती है। और ये मेकअप भी करने के बाद मैंने फ़ौरन से इसका फेस वॉश करवा दी क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। और इसको कैमरे के सामने आने का भी बहुत शौक है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से एक्ट कर रही है। ये बहुत मज़े की बातें कर रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं अपना वॉइस ओवर कर लेती हूँ। ये ओके जी, फातिमा का मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लोशन अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे क्योंकि सर्दियाँ हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है। पहले सबसे पहले हमने फातिमा को लोशन लगा दिया। लोशन लगाने के बाद जो मैं यूज़ करती हूँ वो बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ, इसका जो कलर है वो मेरी स्किन के अकॉर्डिंग है सही। और अगर
अगर आप फेयर हैं तो बहुत थोड़ा सा यूज़ करें, और अगर आपकी स्किन टोन मेरे तरह है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल यूज़ करती हूँ। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह मैं हाथों से ही अप्लाई करती हूँ, इस तरह से टैप करके। टैप करने से ये होता है कि वो जहाँ पे आप लगाते हैं वहीं पे सेटल हो जाता है मेकअप। और अगर आप दूसरी तरह हाथों से इस तरह से रब करते हैं तो वो सामने पता चलता है कि आपने उसको रब किया हुआ है, और ये बहुत अच्छे से इस तरह से आपकी जो पोर्स है उसके अंदर तक फिक्स हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों को मेकअप करना। ओके जी, ले जी, ये मैंने लगा दिया। अब इसके बाद जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं मेडोरा का फेस पाउडर यूज़ करती हूँ। इसका भी आप देख सकते हैं कि मेरे स्किन के अकॉर्डिंग मैंने ये चूज़ किया है, तो ये भी मैं इस तरह से टैप करके लगाती हूँ। और हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाती कि बहुत ज़्यादा पाउडर फेस पे नज़र ना आए, सिर्फ इतना कि आपकी बेस जो है वो बैलेंस हो जाए। ये आप देख रहे होंगे कि बहुत ओके। इसके बाद हम ब्लश ऑन मैं लगाती हूँ, ब्लश ऑन मैं मस्त लगाती हूँ। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये डेली मेकअप मैं ऐसा ही करती हूँ। और अब ब्लश ऑन अप्लाई करूँगी, और मैं मोस्टली पिंक कलर ही चूज़ करती हूँ क्योंकि पिंक से आप फ्रेश लगते हैं। ओके जी, ब्लश ऑन लगाने के बाद मैं लगाती हूँ, थोड़ा सा ब्लश हम सेटल कर लेते हैं। ओके जी, ब्लश हम लगाने के बाद ये मेरे पास एक मस्कारा है जो बिल्कुल ड्राई हुआ हुआ है। इस ये मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जब आप फेस पाउडर लगा लेते हैं तो आईब्रोज के ऊपर फेस पाउडर आ जाता है और बहुत डस्टी फील होती है, तो अगर उसके ऊपर हम लिक्विड मस्कारा लगाएंगे तो वो बहुत अजीब सा फील होता है। तो सिर्फ उस डस्ट को हटाने के लिए और अपने जो आईब्रो के हेयर्स हैं उनको सेटल करने के लिए मैं जो ड्राई मस्कारा है उसके साथ उसको कर लेती हूँ। वो थोड़ा सा ब्लैक भी हो जाता है हल्का सा, और सेट भी हो जाता है। और ये मस्कारा मैं यूज़ करती हूँ डेली रूटीन में। ये बहुत अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना बहुत लाइट है, मीडियम सा है और फुल डे आराम से स्टे करता है। मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये डर रही है, और इस बच्चों को तो लगाना भी नहीं चाहिए। मैं वैसे ही आपको बताने के लिए कर रही थी। और ये लिपस्टिक मैं इसको शॉकिंग पिंक लगाने वाली हूँ। लिपस्टिक थोड़ी सी, मैं चूंकि छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं थोड़ी सी लिपस्टिक डार्क यूज़ करती हूँ क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी लिपस्टिक डार्क अच्छी लगती है, तो इसलिए थोड़ी डार्क लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। ले जी, लिपस्टिक लग गई है, आप थोड़ी सी इसको सेट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट फातिमा रेडी है, यानी कि मैं ऐसा मेकअप करके रेडी होती हूँ। और एक चीज़ रह गई है जो है काजल, वो भी मैं इसको लगाऊंगी नहीं। आप काजल यूज़ करें और बहुत ज़्यादा डार्क ना लगाएं, एक ही दफ़ा बस काजल लगाइए। वो लेवरिया का काजल है और काफ़ी अच्छा है, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं इसको लगाती नहीं हूँ। तो ये इस तरह से एक सलाई आप एक दफ़ा बस लगा दें। आई होप आपको मेरा मेकअप पसंद आया हो। अच्छा लग रहा मेकअप? डू यू लाइक योर मेकअप? कैसी लग रही है आप? ऐसे थम्स अप, गुड। मम्मी।